all the electrifying VSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. Tooriyan to abhi bhi hain Shaheer. मैं चाहती हूँ एक बीवी की तरह हर पल तुम्हारे साथ गुजारू। तुम ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ, अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ? आंटी, वो अगर आपकी इजाजत हो तो आज अम्मी की तरफ चली जाऊँ। देखो सारा, आए दिन तुम्हारे महके जाना ना, ना पहले मुझे पसंद था और ना अब। देखो तुम्हें अब अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। देखो मैं नहीं चाहती कि नगीन की तरह खुदा ना खास्ता फिर से हमारी खुशियां अधूरी रह जाएं। अगर ऐसा कर भी रहा तो आपको क्यों जलसी हो रही है? देख रहे हो बिलाल, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे सुकून के लिए कुछ करो। इतनी जलसी भी अच्छी नहीं है सैम, अपने भाई की कामयाबी पे खुश होना सीखे। शुक्र है तुम आ गए, वरना फखर तो तुम्हारी जॉब के पीछे हाथ ठोकर पड़ा हुआ था। मैं रिजाइन ही करने आई हूँ। तेरा वादा अगर वफा होगा। साहब, वो आपके मेहमान आए। कौन मेहमान? वही जो उस दिन खाने पर आए थे। ठीक है, उन्हें बिठाऊं मैं। और जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम। वो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। हर दावत कबूल करने के लायक नहीं होते, वजह बताओ अपने आने की। शादी हो रही है मेरी 5 नवंबर को। मुबारक। आपकी मुबारक का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुबारक के साथ साथ अगर थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती तो। क्यों, तो जॉब करते हो, कमाते हो? हाँ मैं कमाता तो हूँ, लेकिन एक मामूली सी जॉब में इंसान कितने पैसे जमा कर सकता है कि शादी कर सके। पहले सोचना चाहिए था, पैसे कहाँ से आएंगे, शादी कैसे होगी। इनफैक्ट खाला तो बहुत माहिर है सब में, उन्होंने नहीं सोचा था। इतनी बेगानगी अच्छी नहीं है रेहान भाई। माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है। अल्लाह ने ये जो कुछ दिया है ये मुझे मेरी मेहनत का सिला है, अपने बलबूते पर कमाया मैंने, किसी से भीख नहीं मांगी। कर ले तंस, लेकिन क्या करूं, एक मामूली सी जॉब कर रहा हूं, वरना मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं। पहले अम्मी को सारा का आसरा था, लेकिन अब तो उसने भी हाथ पीछे कर लिया। जाहिर है, सारी जिंदगी तुम लोगों को खिलाने का ठेका तो नहीं उठा रखा ना उसने। लेकिन उसे सोचना तो चाहिए था ना। क्या सोचना चाहिए था उसे, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? उसे छोड़ो, तुमने सोचा है कि कब से जॉब्स कर करके उसने तुम लोगों की जिम्मेदारी संभाली हुई है, लेकिन तुमने और फाला ने तो उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया, ऐसे सारी जिंदगी ऐसा ही करती रही। अच्छा है, तुम लोगों की गलत फहमी दूर हो रही है, बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए था सारा को। ये मदद मांगने आया था, बातें सुनने दी। आज अगर मेरी प्यारी खाला जान जिंदा होती तो मुझे खाली हाथ यहां से भेजती ना। अम्मी भी खाला की खुदगर्जी की वजह से इस दुनिया से चली गई। नहीं 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 रेहान भाई, ये गलत बात, अल्लाह ने हर किसी का वक्त मुकर्रर किया है। अब अगर आपकी ये सोच है तो मैं आपकी सोच बदल नहीं सकता, लेकिन अलबत्ता ये जरूर कहूंगा कि मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था आपके पास, लेकिन आप तो बहुत मगरूर हो गए।
मगरूर नहीं, समझदार। सामने वाला किस लायक है उसी तरह उससे बात करता हूं। रही बात तुम्हारी उम्मीदों की, तुम्हारा मसला ही ये है कि तुम खुद पर भरोसा करने के बजाय दूसरों से उम्मीदें लगाए बैठे रहते हो। रेहान भाई, आज आपका वक्त है इसलिए आप बातें सुना रहे हैं, लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। रुको, बच। जी साहब। मेरी चेकबुक ले करो। जी बेहतर। मगर आज के बाद दोबारा मुझसे इस किस्म की मदद की उम्मीद नहीं रखना। जी जी जरूर, बहुत मेहनत करूंगा। थैंक यू रेहान भाई, बहुत शुक्रिया। अब बिलाल की कुछ समझ ही नहीं आ रही, बहुत तेजी से गलत रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही घर की इंस्टॉलमेंट देकर आया था और कल नई गाड़ी लेके आ गया। शहीर, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम्हारे परेशान होने से वो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन वो मेरा भाई है, मैं उसकी तरफ से लापरवाही तो नहीं हो सकती ना। सैम, तुम हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या सोचना है हमारे बारे में? मैं मां से बात करने का सोच रहा हूं। रियली? हाँ, तुम ठीक कह रही थी। मुझे हमारे लिए मां के सामने स्टैंड लेना होगा। और अगर वो ना मानी और मुझे छोड़ने का कहा तो? ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामे मैंने। Trust me. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने तो घर देर से आने की आदत ही बना ली है। कुछ मसरूफियत बढ़ गई है माँ। हाँ, जानती हूँ मैं। घर में दिलचस्पी औलाद की वजह से होती है, लेकिन नगीन तो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब उससे चेकअप के लिए कहो तो टालमटोल कर जाती है या फिर जरीन की तरफ चली जाती है। तुम उससे कुछ कहो ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है शहीर। क्या बात करूं उससे मैम? शौहर हो तुम उसके, और शौहर के लिए अपनी बात मनवाना कोई मुश्किल नहीं होता।
अपनी बात मनवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। देखें, जब पता हो कि बात करने का कोई फायदा नहीं होगा तो मैं क्या बात करूं उससे? क्या मतलब क्या फायदा? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। मां, नगीन अब कभी मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आधी अधूरी सही, लेकिन औलाद की खुशी तो दी थी ना उसने तुम्हें। शायद मिस कैरिज के दौरान कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हुई होगी। लेकिन इस बारे में नगीन ने मुझसे कुछ नहीं कहा। बताया तो उसने मुझे भी नहीं था। वो तो कोइंसिडेंटली मेरी नजर उसकी रिपोर्ट्स पर पड़ गई, वरना न जाने कब तक हमें इस हकीकत से लालम रखती वो। नगीन, क्या हुआ? नहीं, आप गुस्से में लग रही हैं। तुम मुझसे झूठ बोलती रही, मुझे बेवकूफ बनाती रही। कई बार मैंने तुमसे कहा कि डॉक्टर के पास चली जाओ चेकअप के लिए, लेकिन तुम पुराना बहाना बनाकर टालती रही मुझे। मैं ही बेवकूफ थी जो हर बार तुम्हारे रोने पर तुमसे हमदर्दी कर बैठी। मुझे लगा था कि तुम अभी अपनी औलाद के गम से बाहर ही नहीं निकली हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझे पोते की खुशी दे ही नहीं सकती हो। क्या क्या सोचकर, मुझे बताओ क्या सोचकर तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? छुपाती नहीं तो और क्या करती अम्मी? कैसे मैं आपको बताती कि जिस खुशी के लिए आप तरस रही हैं वो खुशी मैं अब आपको दे ही नहीं सकती। थी रिपोर्ट देख के मेरी उम्मीद तो टूट गई थी, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं थी कि आपकी भी उम्मीद को तोड़ दूं। मेरी बात का यकीन करें, मैं बस आपको दुख नहीं देना चाहती थी। अगर तुम्हें मेरे दुख की इतनी परवाह होती ना, तो तुम मुझे असली बात बताती, मुझे बेवकूफ नहीं बनाती, झूठे आसरे पे ना रखती, मेरे जज्बात से ना खेलती। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलकर ना मेरा मान तोड़ा है, और इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था कि तुम अपनी दिल की बात मुझे बता सकती। भरोसा था, बस आपको सच बताने की हिम्मत नहीं थी। रहने दो, तुम्हारी ये बातें और ये झूठ ना तुम्हारी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल सकते। मैं दूर रहूं मुझसे, बिल्कुल दूर रहूं मुझसे। कम से कम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नगीन। मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ भी। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुमसे? बता दिया तुमने अम्मी को? नहीं भाभी, मैंने नहीं बताया। आंटी, झूठ मत बोलो। तुम्हारे अलावा ये सच सिर्फ मेरी मामा जानती थी, और मेरी मामा मुझ पे कभी भी ये जुर्म ना करे। लेकिन तुम, इतनी अहमियत मिल तो रही थी तुम्हें घर में, पर मेरा सच बता के मेरी अहमियत घटाने की क्या जरूरत थी सारा? भाभी, मेरी बात का यकीन करे, मैंने नहीं बताया। तुम्हारी बात का यकीन करूं? याद है कितने यकीन से मैंने तुमसे कहा था कि मेरा ये राज किसी को मत बताना, लेकिन दिखा दी ना तुमने अपनी असलियत। भाभी, मैं आपको बता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। निकलो तुम यहां से, जाओ इधर से, सारा जाओ।
वैसे कितने बड़े दिल का मालिक है ना रेहान, मुझे तो लगा था कि वो साफ इनकार कर देगा। इतनी आराम से उसने ये चेक नहीं दिया, अच्छी खासी इज्जत अफजाई करने के बाद दिया। जाहिर है वो अपने दिल की भड़ास तो निकालेगा ना। वैसे अम्मी मुझे नहीं लगता कि हमें रेहान भाई की मदद लेनी चाहिए थी। क्यों, क्या करते ये मोहल्ले वालों से उधार इकट्ठा करके शादी करते? हाँ तो जरूरी तो नहीं है कि इतने हाईफाई इंतजाम किए जाए, भाई का वलीमा ना सादगी से भी हो सकता है। ये मेरा इकलौता बेटा है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका वलीमा सादगी से कर दूंगी? अरे बहुत धूमधाम से करूंगी मैं इसका वलीमा। हाँ बल्कि पुराने मोहल्ले से भी बुलाएंगे लोगों को। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम वरा की शादी रेहान से करवा। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं आप? भाई मानती है उसको? अरे भाई शादी से पहले सब बच्चियां अपने कजन को भाई बुलाती हैं। ठीक है लेकिन उन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, रेहान बहुत बड़ा है फरहा से। ये उम्र के फर्क से कुछ नहीं है, वैसे भी लड़की उम्र में जितनी छोटी हो उतना ही अपने शौहर के रोब में रहती है। मुझे नहीं लगता रेहान मानेगा। अरे मान जाएगा, सारा उससे कहेगी ना तुम देखना कि वो कैसे राजी होता है, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह भाप गई हूँ कि वो आज भी सारा के कहे को कभी टाल नहीं सकता। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? भाभी को लगता है कि मैंने आंटी को सब बताया। क्या बताया, किस बारे में बात कर रही हो, खुल के बताओ ना। सारा तुमसे बात कर रहा हूं मैं, बताओ ना क्या हुआ। पता नहीं आंटी को भाभी की रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चल। कौन सी रिपोर्ट्स, किस बारे में बात कर रही हो, प्लीज बताओ यार। अली नगीन भाभी अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? वो बहुत अपसेट थी अली, मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि आंटी और शहीद भाई को हकीकत बता दें, लेकिन शायद उनमें सच बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नगीन भाभी को जो धचका लगा है वो किसको और कब बताना है ये फैसला तो उनका ही होगा ना। ये सोचकर मैं भी खामोश रही, लेकिन पता नहीं कैसे आंटी को पता चल गया और वो भाभी पे बहुत गुस्सा हो रही थी। अली आप खुद ही बताएं, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूंगी। हाँ सारा मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन नगीन भाभी तुम उनके बारे में नहीं सोचो सारा, आज नहीं तो कल उनके सामने हकीकत आ ही जाएगी। लेकिन अली सोचने की बात तो ये है कि जब मैंने और जरीन आंटी ने नहीं बताया तो फिर आंटी को ये बात किसने बताई?
शहीर, शहीर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं सच जान चुका हूँ। आपको अभी ने बताया ना? किसने बताया, कैसे पता चला? अब इन बातों का कोई मकसद नहीं रह जाता। हकीकत सिर्फ ये है कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं डर गई थी शहीद, आप पहले ही मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही आपको मुझ में कोई दिलचस्पी है। मुझे लगा आपको सच पता चलेगा तो आप बिल्कुल नाताल्लुक हो जाएंगे। नगीन, ताल्लुक एतमाद पर बनते हैं। मुझे अफसोस है कि ना तो तुमने मुझ पर एतमाद किया और ना ही हमारे रिश्ते पर भरोसा, इसलिए अब तुम मुझसे लाताल्लुक होने पर शिकायत नहीं कर सकती। नहीं शहीद, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, जो कुछ तुमने किया है उसके बाद जहां तुम मां की नजरों से गिर गई हो, ऐसे ही मेरे दिल से भी उतर गई। नहीं शहीद, प्लीज प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। शहीद, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मेरी बात का यकीन करें। इन बातों का कोई फायदा नहीं है सारा, जो होना था वो हो गया। मुझे लगता है मेरा इस घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी शादी के चक्कर में ये बात मत भूल जाओ कि रेहान को बुलाना कितना जरूरी है। वैसे भी ऐसे ही मौकों पर सारे पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। कम से कम इसी बहाने उसका दिल तो साफ हो जाएगा हम सबकी तरफ से। तेरा वादा अगर वफा होगा। तुम उसे मना कर दो, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। क्या हुआ, कोई मसला है? बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है और जिसके पर अप्रूवल देने के लिए भी ओनर पूरे बहुत पैसे देने को तैयार है। अरे तो दे दो ना अप्रूवल। मारिया, मेडिसिन्स दो नंबर है, जानी नुकसान भी हो सकता है। बिलाल, भले वो मेडिसिन्स दो नंबर हो लेकिन ऐसी तो नहीं होंगी ना कि किसी को नुकसान पहुंचे। और तुम खुद भी जानते हो ऐसे कामों में लोग बहुत एहतियात करते हैं कि उनका नाम खराब ना। और बिलफर्ज अगर किसी को नुकसान पहुंचता भी है तो तुम्हारा नाम थोड़ी आएगा, फंसेगा तो वही दवाइयां बनाने वाला। फिर भी मारिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बिलाल, ये दो नंबर दवाइयां टाइप चीजें तो बहुत आम है, तुम इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? मारिया तुम समझ नहीं रही हो, ये केस कुछ अलग है। कुछ अलग नहीं है बिलाल, तुम इस बात को समझोगे तुम इस वक्त इस पॉइंट पे नहीं खड़े हो कि ऐसा कोई भी चांस अवॉइड करना अफोर्ड कर सको। घर और गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है, शायान की शादी सर पर है, उसकी शॉपिंग के खर्चे होंगे, फिर आयजा को भी कोई गिफ्ट देना होगा। अब ये सारी चीज़ें तुम्हारी सैलरी में पूरी हो सकती हैं। तो मसला है, मैंने खुद को इतनी चीज़ों में उलझा दिया है कि चाहते हुए भी ना नहीं कह सकता। तो अब भी नहीं करूँ ना, जो जैसा चल रहा है चलने दो, मत घबराओ इतना। अच्छा देखते हैं, मैं चलता हूँ। इसी दिन के लिए तो तुम्हें समझाती थी कि मत खेलो आग से,
सच को मत छुपाओ। सारा की वजह से हुआ ये सब। सारा ने किया, गलत किया, लेकिन दूसरों के सामने खुद को गिराने का मौका तो तुमने खुद ही दिया ना बेटा। अगर तुम खुद बता देती तो ये नौबत ही ना आती। अच्छा हुआ जरीन आप खुद ही आ गई। बच्ची है, डर गई थी शाजिया, गलती कर बैठी। बच्ची बच्ची कहकर इसकी गलतियों को नजरअंदाज मत कीजिए। अरसा हो गया इस घर में, इसे वक्त गुजारा इसने, ये इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा सकती है? क्यों किया इसने ऐसा? मैं मानती हूँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसे आपको पहली फुर्सत में बता देना चाहिए था, लेकिन वो क्या है ना, डर गई थी। डर? कैसा डर? मैंने तो हमेशा इसको अपनी बेटी समझा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। ऐसा नहीं है अम्मी। ऐसा ही है। अगर तुमने मुझे अपनी सास समझ लिया है ना, तो फिर इस घर में ना सास और बहू का रिश्ता निभाएंगे। नहीं नहीं शाजिया, दिल को बड़ा करें, माफ कर दे इसे। दिल बड़ा किया है तभी तो यहाँ पर खड़ी हुई है ये मेरे घर में, वरना कल ही रात आपके यहाँ पहुँचा देती इसे मैं। लेकिन हम खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ ना इस तरह बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता। ये यही रहेगी इसी घर में। लेकिन जो मकाम मैंने इसे दे रखा था ना, वो मकाम ये खो चुकी अपने हाथों से। तो क्या होगा मामा? सारा से बात हुई तुम्हारी? कल हुई थी, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। वाह भाई, माँ से इतनी बेगानगी है कि अब मेरा हाल भी वो तुमसे पूछ रही है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। तुम कुछ परेशान लग रही हो मुझे। परेशानियाँ तो जिंदगी का हिस्सा हैं। खैर आप बताएं कैसी हैं? मेरे हालचाल तो कल तुमने फरा से पूछ ही लिए थे। वैसे बेटा, माँ से नाराजगी को इतनी देर तक तूल नहीं देना चाहिए। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। ठीक से राजी भी तो नहीं हूं ना बेटा, वरना इतने दिन गुजर गए तुमने घर का चक्कर ही नहीं लगाया। शादी सर पर खड़ी है, तुम इस घर की बड़ी बहन हो, हजारों काम होते हैं शादी वाले घर में। आपको बताया तो था कि आंटी नहीं आने दे रही मुझे। बेटा तुम्हारी सास है या कोई हिटलर जो उन्होंने दरवाजों पर ऐसे ताले डाल दिए है कि तुम्हारा आना मुश्किल हुआ हुआ? चलो मैं तो माँ नहीं करती तुमसे शिकायत, लेकिन आयजा का तो सोच लो, उसे तो तुमने अपनी बहन माना है ना, कम से कम उसके साथ तो रिश्ता ठीक से निभा लो। मैंने हमेशा रिश्ते निभाए अम्मी, ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं। वही बात आयजा की तो मैंने उसे बता दिया था कि ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी मेरे और अली की तरफ से है। उसे एड्रेस भी सेंड कर दिया था कि जाकर शायान के साथ बुटीक से पिक कर ले ड्रेस। अब तुम कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना कि तुम सब किए बैठी हो। मैं तो यही समझ रही थी कि तुम्हें कुछ ही याद नहीं, तुम सब भूली हुई हो। भूली तो नहीं पा रही सारा। अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द औलाद की खुशी से नवाजेगा, फिर शायद तुम माँ की मजबूरियों को, उसके फैसलों को और उसकी बेबसी को समझ सकोगी। बहरहाल
इस वक्त इस बहस में पड़ने के बजाय मुझे तुमसे कुछ कहना था। तुम रेहान को फोन कर देना निकाह की दावत के लिए। मैं क्यों फोन करूंगी उसे? शायान से कहे उसे काट दिया है। हाँ हाँ ठीक है, हम रेहान को फोन भी कर लेंगे, उसके घर कार्ड भी देने चले जाएंगे। जैसे बाकी काम हमने खुद किए ना, ये काम भी हम कर लेंगे। लेकिन सारा, तुमने तो इस बार हद ही कर दी। शादी के खर्चों के नाम पर बस बराए नाम ही पैसे दिए, पलट कर ये नहीं पूछा कि कैसे हो रहे सारे इंतजाम। अम्मी मेरे पास जितनी सेविंग थी मैंने सारी आपको ट्रांसफर कर दी थी। बेटा शादी के खर्चों में ना आटे में नमक के बराबर थे वो पैसे। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी जॉब नहीं थी, लेकिन अली अली का तो अपना बिजनेस है ना, तुम उससे क्या देती? अम्मी आपको पता है कि अली भी जॉब कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने ऑफिस से लोन लिया है, तभी तो आयजा का ब्राइडल ड्रेस और ज्वेलरी अरेंज कर पा रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, अगर कर भी दिया कुछ तो ये उसका फर्ज था, जबकि मुझे तो उससे ज्यादा की उम्मीद थी। लेकिन खैर, जैसे तैसे करके मेरे शायान ने सब इंतजामात खुद ही कर लिए, बस तुम लोग शादी में शरीक हो जाना, यही एहसान रहेगा हम पर। में बात नहीं की? नहीं, फिलहाल मुझे मौका नहीं मिला कि हमारे बारे में बात करता। शहीर कहीं तुम? कहीं मैं क्या, रुक क्यों गई? बात पूरी करो। कहीं सिर्फ मेरे कहने पे तुमने ये तो नहीं कहा कि मैं बात करूंगा? तुम में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम बात करो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात बताने की, तो ना मैं तुम्हें बहला रहा हूं और ना ही टहला रहा हूं। एक्चुअली घर के कुछ मामलात हैं, जब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो मां को मनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे मामलात? तुम्हें उस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस इस बात पर यकीन रखो कि मैं तुम्हें अपने साथ हमारे घर लेकर जाऊंगा, उसी इज्जत के साथ जो तुम डिजर्व करती हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट मी। भाभी दोस्त समझ के तुम्हें अपना राज बताया था, देखा कैसे अम्मी का एक सेकंड में मुझसे रवैया बदल गया। शरीर तो पहले ही जरूरतन बात करते थे मुझसे। भाभी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मेरी बात का यकीन करें। इन बातों का कोई फायदा नहीं है सारा, जो होना था वो हो गया। तो लगता है मेरा इस घर में रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगी आंटी से। तुम्हारे बात करने से क्या फायदा होगा सारा? याद नहीं अम्मी कैसे गुस्सा कर रही थी कल मुझ पे? माँ का गुस्सा वक्त ही होता है भाभी, आप परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। भाभी सारा आप ही की चॉइस बहुत अच्छी है, ये सेंट देखे कितना नफीस है ना? वैसे वो मुझे जितने भी ऑप्शंस दिखा रही थी ना, सब एक से बढ़कर एक थे, निहायत खूबसूरत। मैंने तो इसे कहा था कि सारे ही खरीद ले। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे किसी पे बोझ डालना।
अरे तो तुम बात बात पे सीरियस हो जाती हो। हाँ भाई, चीजें तो माशाल्लाह सारी बहुत अच्छी है, एक से बढ़कर एक। बस अल्लाह पहनना नसीब करे। अच्छा बेटा, मैं एक बात सोच रही थी, वो ये कि अगर हम सादगी से ही निकाह कर रहे हैं तो क्यों ना घर घर की तकरीब रख ले, क्योंकि जितने ज्यादा मेहमानों को बुलाएंगे उतना ही लोगों को सवाल करने का मौका मिलेगा कि लड़की के मैके से कोई नहीं आया। जी आंटी, जैसा आपको मुनासिब लगे। आंटी क्यों कह रही हो, अम्मी कहो ना। हाँ हाँ बेटा, मेरे लिए तुम मेरी बेटियों जैसी ही हो, इसलिए तुम भी मुझे अम्मी ही कहो, आंटी कहने की जरूरत नहीं। जी अम्मी, वो काफी लेट हो गया है तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, तुम भले जाओ। मुझे शायान, तुम रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी। अम्मी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हद करती हैं आप अम्मी, ये दरवाजे तक छोड़ने जा रहा था, कौन सा हॉस्टल ड्रॉप कर रहा था जो रोक लिया मुझे आपने। मेरी बात सुनो, अपनी शादी के चक्कर में ये बात मत भूल जाओ कि रेहान को बुलाना कितना जरूरी है। वैसे भी ऐसे ही मौकों पर सारे पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, कम से कम इसी बहाने उसका दिल तो साफ हो जाएगा हम सबकी तरफ से। मुझे नहीं लगता कि हमारे बुलाने पे वो आने वाला है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह मालिक। अल्लाह कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम भी सोच रही होगी ना, कल से भूले बैठी हूं मैं तुम्हें। तुम्हें पता तो चल ही गया होगा ना नगीन के बारे में जिसने किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी उसे यह एहसास दिलाया कि वो मेरी बहू है। अंधा एतबार किया है मैंने उस पर। जब ही तो घर की सारी भाग दौड़ मैंने उसके हाथ में दे दी थी, लेकिन उसने मेरी एतमाद की धज्जियां उड़ा दी। जिस औरत का खुद की जात पर किया एतमाद किरची किरची है, वो क्या किसी और के एतमाद की धज्जियां कैसे उड़ा सकती है? सारा, उसकी हमायत में मत बोलो। उसने मेरे साथ गलत किया है तो गलत किया है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने सही नहीं किया आपसे हकीकत छुपाकर, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये भी तो समझने की कोशिश करें। एक औरत औलाद से मुकम्मल होती है, लेकिन जब किस्मत के हाथों नसीब में यह अधूरापन लिख दिया गया, शौहर का प्यार तवज्जो पहले से ही किस्मत में ना हो, तो ऐसी औरत डरने के अलावा और कर भी क्या सकती है? कैसा डर? दूसरी औरत मुसल्लत होने का डर, अपना घर खराब होने का खौफ, शौहर की रही सही तवज्जो खो देने के अंदेशे। आप समझे इस बात को, वो ये सब कुछ अकेले फेस कर रही थी। नहीं चाहती थी कि इस घर से उनकी बुनियादें हिलें। भाभी इस वक्त दोहरे दुख से गुजर रही है आंटी, एक तरफ कभी मां ना बनने का दुख, तो दूसरी तरफ शौहर को खोने का सदमा। उन्हें हमारी जरूरत है, प्लीज आप भी उन पर गुस्सा होने के बजाय उन्हें तसल्ली दें। तेरा वादा अगर वफा।
Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.